हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आज की जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के रिलेटेड, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में क्वेरीज हैं जिन्होंने कभी क्या बोलते हैं कि अपनी इंश्योरेंस है वो क्लेम नहीं करी है। उनके लिए बहुत सारे सवाल होते हैं कि हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और आपको पता होगा कि डिफरेंट टाइप की इंश्योरेंस आपको देखने को मिल जाती है मार्केट के अंदर, कॉम्प्रीहेंसिव, थर्ड पार्टी, जीरो डेप्रिसिएशन। तो मेनली आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस क्या होती है, और मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू भी दे दूंगा कि बाकी जो दो हमने बात करी है उनका क्या मतलब होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ताकि आपके जितने भी डाउट हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इन द सेंस कि अगर आपका कभी कल को उठ के कुछ एक्सीडेंट होता है और सामने वाली पार्टी को कुछ नुकसान होता है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी वो बेयर करेगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपका एक एक्सीडेंट हुआ, सामने गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी वाले का जो भी खर्चा आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी, आपकी इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। और अगर वो बंदे ने अपनी खुद की इंश्योरेंस भी करवाई हुई है, तो वो डिपेंड करता है कि वो अपनी क्लेम करना चाहता है या फिर वो डिमांड कर सकता है कि अगर उसके पास इंश्योरेंस नहीं है तो फिर वो आपकी इंश्योरेंस, वो बोल सकता है कि या तो मेरे को पैसे देके सेटल किया जाए, या फिर आप अपनी इंश्योरेंस का यूज करके उसको, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो आपने ली है वो करके आप उसको जो भी उसकी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली तो ये होगी, सबसे सस्ती यही आती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। और जो गवर्नमेंट भी क्या बोलते हैं कि मैंडेटरी नॉर्म्स है जो कि इंश्योरेंस होनी चाहिए आपके पास, नहीं तो चलान होगा, तो उसके अंदर सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी अगर आपके पास होगी तो आपका चलान नहीं होगा। और गवर्नमेंट यही चाहती है कि आपकी वजह से अगर थर्ड पार्टी को किसी को नुकसान हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो आपके पास एक इंश्योरेंस होनी चाहिए जिससे आप उसकी भरपाई कर पाए, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी थर्ड पार्टी की। अब बात करते हैं सेकेंड, कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर क्या आता है कि इसके अंदर ये उससे थोड़ी सी महंगी होती है। इसके अंदर ये होता है कि आपकी जो क्या बोलते हैं थर्ड पार्टी तो इसके अंदर इंश्योर है ही है, बट आपकी गाड़ी के अंदर भी कुछ डैमेजेस आते हैं, कुछ भी क्लेम्स आते हैं, कुछ आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कहीं पे लग गई, या खुद से आप थोड़ी सी पीछे कर रहे थे पार्किंग में, पीछे पोल से टकरा गई, साइड में दीवार पे लग गई, कुछ भी हो गया, ठीक है, एक्स वाई जी। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो आपको 50% मोस्टली 50% इसके अंदर रहता है। जितनी भी आपकी चीजें होंगी उसके अंदर कुछ भी चेंज करने को आएगा तो उसके अंदर 50% कंपनी पे करेगी, 50% आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी कॉम्प्रीहेंसिव की, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं जीरो डेप्रिसिएशन की, या बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस जो मोस्टली बोली जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कंपनी आपको 100% कुछ भी आपकी गाड़ी के अंदर दिक्कत आ रही है, थर्ड पार्टी तो इंश्योर है ही है, बट आपकी खुद की गाड़ी के अंदर कुछ भी किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत आ रही है, कहीं लग गई, स्क्रैच पड़ गया, बम्प क्या बोलते हैं डेंट पड़ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी को ले जा सकते हैं सर्विस स्टेशन पे, या फिर जो भी ऑथराइज मतलब होते हैं कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम जो मतलब सेटल कर सकते हैं वहां भी आप ले जा सकते हैं। और आप वहां से ये भी चेकआउट कर सकते हैं कि कैशलेस क्लेम है या नहीं, आपको अपनी जेब से 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी गैराज ऐसा होता है कि जो छोटा मोटा होता है, वहां पे यूजुअली क्या होता है कि वो लोग पहले आपसे पैसे लेते हैं, फिर वो क्लेम के अमाउंट आपको आपके बैंक अकाउंट में आती है। मोस्टली ऑथोराइज सर्विस सेंटर के ऊपर अगर आप जाएंगे और आपको चेक करना पड़ेगा आपकी इंश्योरेंस जो प्लान आपने लिया हुआ है उसके अंदर कैशलेस क्लेम की फैसिलिटी है या नहीं, बट मोस्टली आजकल सारी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। तो आपको क्या होगा कि आपकी गाड़ी में कुछ भी दिक्कत आई, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, थोड़ी सी खुद से ही आपसे कहीं टच हो गई, कुछ भी हो गया एक्स वाई जेड, तो आपको ले जाना है इसको सर्विस सेंटर पे, जहां पे आपका कैशलेस क्लेम आपको आराम से मिल जाएगा। तो वहां पे आपको अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, आपने अपने खुद से ही आप क्या बोलते हैं गाड़ी चला रहे थे, आपसे थोड़ी सी लग गई, आगे का पूरा बम्पर अगर पूरा का पूरा डैमेज हो गया तो उसके अंदर आपको पता है 15 से 20 हजार या फिर उससे भी ज्यादा, डिपेंड अपॉन आपके पास कौन सी गाड़ी है, अगर कुछ भी खर्चा आता है तो वो आप सारा का सारा इंश्योरेंस में क्लेम कर सकते हैं और आपको अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ आपको फाइल चार्ज देना पड़ता है जो कि अराउंड
1000 से 2000 रुपीस के बीच में कहीं भी रहता है। तो पर्सनली अगर मेरी बात करूं तो मैंने जितनी बार भी जीरो डेप्रिसिएशन क्लेम किया अपनी गाड़ी के अंदर, तो वो मेरे को अराउंड 1400 से 1500 रुपए उसकी फाइल चार्ज देना रहता है। और उसके अंदर क्या बोलते हैं कि एक बार मेरे डोर है, जो ये राइट हैंड साइड का डोर है, वहां पे पूरी गाड़ी एक बार कोई ऐसे मार के चला गया था, तो वो मैंने पूरा क्या बोलते हैं कि चेंज करवाया था इंश्योरेंस के अंदर। तो वो लोग ने क्या किया था, पूरा डोर ही चेंज कर दिया था, पूरा डोर जो है वो नया डाला गया था। तो उसके अंदर अराउंड 45,000 to 50,000 का खर्चा आया था, जो कि मेरे को अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं देना पड़ा था। वहां पे पूरा का पूरा जीरो डेप्रिसिएशन मैंने कवर लिया हुआ था, तो वो पूरा कंपनी ने सेटल किया था अपने आप से, जिसके अंदर मेरे को क्या बोलते हैं कि 1500 समथिंग रुपीस पे करने आए थे। और उसके बाद जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं कि जैसे कि आप बोल सकते हैं स्क्रू है, या ये जो छोटी मोटी चीजें होती है, रबर हो गई कोई भी किसी भी टाइप की, तो ये सारी उसके अंदर कवर नहीं होती हैं। तो ये भी आप मान के चल सकते हैं कि उस टाइम पे अगर मैं 50,000 के खर्चे की बात बता रहा हूं, तो 200 से 400 रुपए उसका भी खर्चा आया था। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो 2000 रुपए के अंदर मेरा ये पूरे के पूरे जो 50,000 का खर्चा आया था गाड़ी के अंदर, वो पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी ने बेयर किया था। जीरो डेप्रिसिएशन अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो उसके अंदर पूरा क्लेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप अपने ध्यान में रख सकते हैं कि आपको जीरो डेप्रिसिएशन लेनी चाहिए, और अगर ली है तो उसको क्लेम कर लेना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि नहीं, मैं एनसीबी क्या बोलते हैं कि हर बार एनसीबी क्या होता है, वो भी एक ब्रीफ में बता देता हूं। अगर आप इंश्योरेंस अपनी एक साल में, जैसे आपने इंश्योरेंस ली, आपने क्लेम नहीं किया है, तो अगली बार जब आप इसको रिन्यू करवाने जाएंगे तो वहां पे कंपनी आपको एक रिवॉर्ड के तरीके से एक डिस्काउंट देती है, ठीक है, कि अगर आपने पूरे साल में एक भी क्लेम नहीं लिया है तो एक रिवॉर्ड के तरीके पे कंपनी बोलती है कि लेट से कि इस बार की रिन्यूअल में हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, 20% डिस्काउंट देंगे। तो ये ऐसे करते करते आपका 30% तक भी जा सकता है, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो इसके अंदर एक मैं मैथ्स आपको करके दिखाता हूं कि अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप रिन्यू करवा रहे हो, अगर वो 20,000 की रिन्यू हो रही है, तो उसके अंदर अगर आपको 30% मिल रहा है, तो 20,000 का 30% कितना होता है, 6,000 रुपए, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आप 6,000 रुपए अगर बचाने के चक्कर में अपनी जो इंश्योरेंस की अमाउंट है या क्लेम नहीं करने की, वो मैं आपको एक कंपेयर करके दिखा रहा हूं, ठीक है, कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर खर्चा 20,000 का आया हुआ है, जो कि आप अपने एक सर्विस स्टेशन पे जाके आपने इंस्पेक्शन करवाया अपना, और उन्होंने बताया कि आपकी गाड़ी के अंदर 25,000 का खर्चा है, तो आप ये मान के चलिए, तो वहां पे लोग क्या सोचने लग जाते हैं कि मेरी एनसीबी है 30% की, 35% की, वो खराब हो जाएगी, ठीक है, वो मेरे को अगली बार नहीं मिल पाएगी और मेरी रीसेल वैल्यू पे कुछ इम्पैक्ट आएगा। तो ऐसा मैं बता देता हूं आपको, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आजकल हर एक बंदा, अगर आप सिटी में रहते हैं ना, तो आपको एक भी गाड़ी जो रोड पे चल रही है उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं दिखें या फिर डेंट नहीं दिखें। कोई गाड़ी अगर ऐसी आपको दिख जाए तो प्लीज एक बार मेरे को आके बताइए। अगर आप कहीं पे बहुत ही कम पॉपुलेटेड सिटी में रह रहे हैं, या फिर कोई ऐसी गांव में रह रहे हैं जहां पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, और आपकी गाड़ी रोड पे बहुत ही खुले तरीके से चलती है, वहां की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट अगर आप सिटी में रहते हैं, यूजुअली अगर बहुत ट्रैफिक है रहती है आपकी सिटी में, तो वहां पे आप रास्ते पे चलती कोई भी गाड़ी आप देखिए, हर एक गाड़ी के ऊपर आपको स्क्रैच देखने को मिलेगा, हर एक गाड़ी के ऊपर आपको डेंट कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो सिनेरियो बहुत ही कॉमन है, और ऐसे में अगर कोई सेकंड हैंड गाड़ी परचेस करता भी है तो उसको भी ये पता रहता है कि भाई छोटे मोटे चीजों के लिए लोग आजकल अपनी इंश्योरेंस का जो कवरेज है उसको यूज करते ही रहते हैं। और ये जो जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस है, ये इसीलिए कंपनीज लेके आई हैं ताकि आप अपने जो भी आपके छोटे मोटे खर्चे हैं, ये सारे के सारे आप अपने इंश्योरेंस में कवर कर पाए। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि 20,000 रुपए अपनी जेब से लगा देते हैं, सोचते हैं कि मेरी इंश्योरेंस मैं अपनी खराब नहीं करना चाहता हूं, बट ऐसा मत करिए, ठीक है, क्योंकि अगर कल को उठ के कुछ बड़ा खर्चा आएगा तब तो यूज करनी पड़ेगी ना, कि तब भी आप सोचोगे कि मैं 1,00,000 रुपए भी अपनी जेब से लगा दूंगा, तो आपने इंश्योरेंस ली क्यों है, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही अराइज होता है। तो अगर आप ये मान के चलिए कि आपका 30% डिस्काउंट अगली बार आपके रिन्यूअल में मिलने वाला है, तो 6,000 रुपए बचाने के चक्कर में आप अपने 20,000 रुपए डाल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी क्या बोलते हैं एक मूर्खता हो गई अगर आप ऐसा कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखिए, जीरो डेप्रिसिएशन के अंदर आपको कंपनी जब ये क्लेम प्रोवाइड करती है कि हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, तो वहां पे आपको इसका फायदा लेना चाहिए। आई होप आपको मोटा मोटा पता चल चुका होगा कि जीरो डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे क्लेम लिया जाता है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए,
एनसीवी क्या होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होती है और कॉम्प्रिहेंसिव क्या होती है। तो ये आपको एक पूरा ओवरव्यू मैंने दे दिया है। इसके अपार्ट आपके कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक आपके साथ कोई दिक्कत आ रही है, कुछ उसके रिलेटेड पूछना चाहते हैं, डू लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पे कॉमेंट्स में अपना आंसर नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बहुत बार इतने कॉमेंट हो जाते हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं भी कर पाता हूँ और कई बार मिस भी हो जाता है कोई कॉमेंट, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर सकते हैं। वहां पे जरूर से आपको अपने क्वेश्चन का आंसर जरूर से मिल जाएगा। थोड़ी देर वहां पे भी हो सकती है, बट आई मेक श्योर कि वहां पे जितने भी मेरे पास डीएम्स आते हैं उसको मैं जल्दी से जल्दी सबका आंसर कर देता हूँ, ठीक है। तो वहां पे जाके आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल का नाम यही सेम रहने वाला है, ड्राइव विद कमल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी, बाय बाय।